श्रीमद् भागवत मनुष्य जीवन की जीवन शैली है। संसार ताप निर्मग्न मामधर दया निधे। जैसे कि आप सुनते हैं संसार में तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इन तीनों तापों से जब व्यक्ति व्यथित हो जाता, ताप और श्राप से व्यक्ति जब क्लांत होकर के व्यथित होकर के भागता है तो भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत का तात्पर्य दो प्रकार से है, भगवता नाम इदम भागवतम। ये जो भगवत भक्तों का धन है, भगवत भक्त संसार से मुख मोड़ करके जब भगवान के तरफ जाते हैं तो उनको भागवत बोलते हैं। जब संसार से मुख मोड़ के, जैसे आप रामचरितमानस में सुनते हैं, सम्मुख होई जीव मोई जवही, जन्म कोटि अग नासहु तबही। भगवान कहते हैं जब भी संसार से जीव मुख मोड़ करके मेरे सम्मुख आ जाता है तो मैं अनेक जन्म से कमाए हुए पापों को तुरंत नाश कर देता हूँ। यानी कि भगवान को जानने वाला भगवान ही होता है। जैसे वेदांत में कहा जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ऐसे संसार से भगवान की तरफ भागने वाला व्यक्ति भी भागवत हो जाता है। दूसरी बात, भगवतानाम इदम, जब संसार से तपे हुए व्यक्ति को, व्यक्ति के ऊपर भगवान जो कृपा करते हैं और अपना लेते हैं उसको भागवत बोलते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं श्रृंगी ऋषि के श्राप से तप्त होकर के तुरंत राजा परीक्षित को ये समझ में आ गया कि ये संसार ताप साप से भरा हुआ है तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए, भगवान की शरण पकड़ लेनी चाहिए। जब गंगा किनारे जाकर के वो बैठ जाते हैं तो भागवत, परम भागवत सुखदेव रूप में आकर के भागवत का ज्ञान दे करके उनको भय से मुक्ति करा देते हैं। ये हमारे जीवन का भागवत है। संसार के संपूर्ण काम को छोड़ करके यदि हम भगवान के तरफ लपकते हैं तो भगवान कृपा करके हमें भागवत बना देते हैं, जीवन मुक्त बना देते हैं, ताप श्राप से मुक्त बना देते हैं। ये यही भागवत है।